संकट के समय हमारी संवेदनाएं और जागृत हो जाती है। कोरोना के जवाब देने का दूसरा एक ताकतवर तरीका है और वो तरीका है करुणा। कोरोना का जवाब करुणा से। हम गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाकर भी कोरोना को पराजित करने का एक कदम ये भी कर ले सकते हैं। हमारे समाज में, हमारी परंपरा में दूसरों की मदद के एक समृद्ध परिपाटी रही है। हमारे यहां तो कहा जाता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अभी नवरात्र शुरू हुआ है, अगर हम अगले 21 दिन तक, और मैं मेरे काशी के भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा कि जिनके पास ये करने की शक्ति है, देश में भी जिसके पास ये शक्ति है, मैं उनको यही कहूंगा, ये नवरात्रि का जब प्रारंभ हुआ है तब अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण लें। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर ले तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा। इसके अलावा आपके आसपास जो पशु है उनकी भी चिंता करनी है। लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने, जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है। मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें।